केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने नुमाइश ग्राउंड में दो दिवसीय कृषि और पशु मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, सांसद सतपाल सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सड़क ठेकेदारों को सख्त चेतावनी देते हुए बड़ी बात कह दी, जिसके बाद से एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए। दरअसल नितिन गडकरी ने कहा कि देश में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदार नेताओं की कमी है। गडकरी ने कहा कि हमने साफ कह दिया है कि हमें गुणवत्ता चाहिए। ठेकेदारों को स्पष्ट चेतावनी है कि सड़क निर्माण में गड़बड़ी करोगे तो बुलडोजर के नीचे दबा दूंगा। उन्होंने कहा कि अब स्मार्ट गांव बनाने होंगे, गांव के युवाओं को रोजगार देना होगा। नितिन गडकरी ने मुजफ्फरनगर में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अब कोई भी आदमी दिल्ली से देहरादून फ्लाइट में नहीं जाएगा, 2 घंटे में देहरादून और 2.25 घंटे में हरिद्वार और बीच में मुजफ्फरनगर को भी मैं जोड़ दूंगा, आप चिंता मत करिए। गडकरी आगे कहते हैं कि बीच में जब मैं आया था तो मैंने पुराना रोड देखा, जिसके बाद मेरे मन में ये योजना आई कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं 1,00,000 करोड़ का रोड बनवा दूंगा। दिल्ली से मुंबई के बीच इसी तरह के 32 एक्सप्रेस वे बना रहा हूँ, हाईवेज बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर से मुजफ्फरनगर को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, वीके सिंह, संजीव बालियान, प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह और जितिन प्रसाद जैसे तमाम लोग शामिल थे। इन्होंने भी मंच पर अपने विचार व्यक्त किए। पशु प्रदर्शनी और कृषि मेले में उत्तर भारत की झलक दिखी। गेहूं, गन्ने, मोटा अनाज से लेकर खेत खलिहान की तस्वीर भी यहां नजर आई। बुलंदशहर और पलवल के हुरियारों ने सांस्कृतिक विरासत साझा करते हुए कई सारे कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मेले में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पशुपालक अपने पशु लेकर पहुंचे थे। एथेनॉल की खेती करने की अपील करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गेहूं, चावल और गन्ने की खेती कर किसान अपने जीवन में हमेशा के लिए खुशहाली नहीं ला सकता। यदि उसे स्वयं और देश का विकास करना है तो एथेनॉल जैसे उत्पाद की तरफ कदम बढ़ाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सत्य है कि अगर देश का किसान खुशहाल होगा तभी आत्मनिर्भर भारत बन सकेगा। नितिन गडकरी का ये बयान लगातार चर्चा का विषय है। नितिन गडकरी अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन सड़क परिवहन मंत्री का ये बयान कि अगर काम ठीक से नहीं होगा तो बुलडोजर से दबा दूंगा, निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा नितिन गडकरी ने जो ये बात बोली कि पैसा बहुत है, ईमानदार नेता कम है, इसके लिए विपक्ष की ओर से किस तरीके के बयान उनके इस बयान के बाद आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में नितिन गडकरी का बयान सुर्खियों में है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।